हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने एडवेंचर चैनल में। और जो आज की वीडियो है ना, वो होने वाली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। जो ये चैलेंज है ना, वो दोस्तों मेरी टीम ने मुझे दिया है, और अगर मैं इस चैलेंज में जीत गया ना, तो यार मेरी टीम एक घंटे के लिए मेरी बात मानने वाली है। तैयार हो मेरी बात मानने के लिए? यस, मेरे को जीतने नहीं देंगे। देखते हैं गाइस, आपको लगता है कि मैं हार मान लूंगा? कभी भी मैं हार नहीं मानूंगा, शिद्दत से मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा, ठीक है? और गाइस यार, चैलेंज यार बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे उल्टा लटकता हुआ 24 घंटे रुकना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से। तो गाइस कुछ इस तरीके से मुझे रुकना है, ये है ना, उल्टा मुझे बांध देंगे और 24 घंटे तक इसी के ऊपर लटकते हुए रहना है। और गाइस आपके भाई ने है ना पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पे आप देखो, फिर डाइपर पहन गया हूँ। डाइपर देखो, बड़ा वाला डाइपर है ये। देखते हैं कि कितना मजा आता है इस चैलेंज के अंदर। वैसे मजा तो नहीं आने वाला है, मेरी हालत खराब होने वाली है। और यहाँ पे आप देखो, ये तैयारी कर रहे हैं मुझे बांधने के लिए। इतनी बड़ी रस्सी लेके आई, इतनी बड़ी भाई, कितनी ज्यादा हार्ड रस्सी है ये। गाइस मैं तो आराम से उल्टा रुक जाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परेशानी तो देखो इनको हो रही है बांधने में। कह रही है कितना टाइम लगेगा बांधने में? वैसे मेरा टाइम स्टार्ट हो गया अब। नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं उल्टा हो गया मैं तो। गाइस अब मेरा टाइम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख लो, पूरा उल्टा हो गया। अब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे इतना लेट बांध रहे हो। तो यहाँ पे आप देखो गाइस, मुझे किस तरीके से बांध दिया इन लोगों ने। जरा भी शर्म नहीं है तुम लोगों को? नहीं शर्म की क्या बात है, मैं खुद को भी नहीं देख पा रहा हूँ। कितना बुरा बांधा तुमने, इतनी सारी रस्सियां लगा दी यार। ओ इसके जूते खोल दे, जूते खोल दे इसके जूते। हाँ खोल दो जूते, मेरा फायदा ही है। मैं इस तरीके से पूरा नीचे लटक रहा हूँ, और जो पूरा खून है ना वो माइंड के अंदर आ रहा है। देखो आप, मेरा चेहरा भी आपको लाल नजर आएगा, इसलिए मुझे ऐसे होकर रहना पड़ रहा है, तब जाके थोड़ा अच्छा फील होता है। मुश्किल है यार, काफी ज्यादा चैलेंज। हालत गाइस पूरी खराब होने वाली है इसके अंदर। तो गाइस है ना, अभी मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि उल्टा लटका कर मुझे कोई सेक रहा है आग के ऊपर। बाकी देख लो आप, ये हालत है मेरी, अभी तगड़ी हालत खराब हो रही है यार। सर दर्द करने लग गया। अब मुझे ना कोई जुगाड़ करना होगा, मैं इसको आगे लेके आऊँगा रस्सी को, ताकि मैं अपनी गर्दन फंसा सकूँ इसके अंदर। हाँ अब सही है गाइस। यहाँ पर आप देख लो, मैंने ना इस रस्सी के अंदर गर्दन फंसा ली है, ताकि मेरे हाथों को कम दम लगाना पड़े। तो गाइस यार, पानी की प्यास लग रही है, वही पानी पिलाना। पानी पिलाऊं या पीलेगा? पीलूंगा भाई, इधर देखना पीलेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी को इस तरीके से पानी पीते हुए। झूठा मत करना। झूठा तो करना पड़ेगा, अंदर ही नहीं जा रहा है, अटक तो नहीं गया कहीं? बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है यार। खेच खेच मोटर से पानी खेच। जो पेट है ना वो बुरी तरीके से दब गया है रस्सी की मदद से। मैं पिलाऊं तेरे को? नहीं, तू अभी गिराएगा, लेने दे, तो खुद ही पी लूंगा। पीले तो मैं एक छोटी छोटी सी घूंट पी रहा हूँ, और वो भी बड़ी मुश्किल से अंदर जा रही है। एक हाथ से है ना ऐसा पकड़ना पड़ रहा है मुझे, ताकि थोड़ा जो ये मेरा पेट है ना वो दोस्तों फ्री हो और अंदर पानी जा पाए। वही काफी मुश्किल है यार पानी पीना तो। तो गाइस यहाँ पे आप देखो, नागिन डांस, नागिन नागिन नागिन। ओ भाई पूरा पूरा किस तरीके से हिल रहा हूँ मैं, कैसे लटका हुआ हूँ रे। 24 घंटे कब होंगे? ये गलत चैलेंज ले लिया यार, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 घंटे तक बात मनवाने के लिए मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। जान जोखिम में है यहाँ पर। प्लेन बना रहे अभी तो, और भी हार्ड बनाने का। कितना भी हार्ड बना लो, जीतने वाला हूँ वैसे भी मैं। देख मैं तेरे को समोसे खिला रहा हूँ, तू ये चैलेंज जीतेगा ना, तो 1 घंटे तक मुझे हार्ड वर्क मत देना, तभी मैं समोसे खिलाऊंगा। गाइस देखो, ये रिश्वत देना है मुझे। ये कहाँ से लेके आए तो समोसे, ये बता। दुकान पर से। इतने छोटे छोटे कितने रुपए के? 5-5। गाइस मुझे 5-5 रुपए वाले समोसे खिला रहे हैं मोटा। कोई बात नहीं, फायदा तो हुआ कुछ। मैं खाऊंगा कैसे, पेट में नहीं जा रहा यार। उठा कर रखना, तो मेरी पूरी मदद कर, तब देखना मैं तुझे कुछ भी नहीं बोलूंगा 1 घंटे के लिए। गाइस देखो, 5 रुपए वाला समोसा है ये, 5 रुपए वाला, और टेस्ट 1 नंबर है यार। यार जोर से दर्द कर रहा है अब तो, पूरा का पूरा शरीर है, जो हालत पूरी खराब हो रही है। वापा आप देखो, जो सूरज है ना वो डूबने वाला, थोड़ी देर में देखो पूरा नीचे चला जाएगा, और रात में सर्दी भी होने वाली है तेज। और जो मेरा चैलेंज हुआ था ना, वो 1 बजे स्टार्ट हुआ था, अभी देख लो यार कितने घंटे हो गए। कितना टाइम हुआ? 5:03 5:03 गाइस अभी तक तो कितने 4-5 घंटे का लेट हुआ है मुझे। अरे यार कैसे हो गया ये चैलेंज पूरा। पेट से सांस भी नहीं आ रही मुझे तो। अब है ना मुझे कोई न्यू स्टाइल लगानी पड़ेगी, तभी मैं इसके अंदर रुक पाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से है ना फिक्स कर लूँ, ताकि है ना मुझे कम मेहनत लगानी पड़े कुछ ऐसा। इसको आगे लेके आ जाऊंगा, और भी आगे लेके आ जाऊंगा। थोड़ा तो आराम मिला, जो हाथ का वजन है ना वो अब इसके ऊपर है।
लेकिन गर्दन का वजन अभी भी मुझे है ना खुद ही उठाना पड़ रहा है, ये दिक्कत है भाई। गाइस अभी सूरज तो डूब चुका है और यार ठंड लग रही है भयंकर, अंधेरा हो गया चारों तरफ। ओए यहाँ पे आग जला दो ना यार, चैलेंज आसान हो जाएगा मेरे लिए। नीचे लाएंगे, नीचे 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 नहीं, यहाँ पे जलानी है, यहाँ पर हाँ, फिर ऐसे ठंड नहीं लगे। गाइस इतना आराम मिल रहा है मेरे को, मैं तो आ रहा हूँ ऊपर यार। रुक जा, 2 मिनट रुक तो सही। आगे कर आगे, चैलेंज हार्ड करना है, धुआं आए या कुछ भी आए। तू मुझे आराम देने के लिए आए हो यहाँ पे धुआं करने के लिए? ले धुआं उधर, धुआं उधर जा, उधर जा। अरे इसको आगे लगा दो ना यार, धुआं आ रहा है पूरे मुंह के ऊपर। देख मेरी बात सुन, मेरी अभी हेल्प कर तू, और अगर मैं जीत गया ना तो तुझे बिल्कुल हल्का वाला टास्क दूंगा सच में। वो तो मुझे पता है तू कितना हल्का वाला टास्क देगा। अरे सच बोल रहा हूँ मैं यार, इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। हाँ मेरे लिए खाने के लिए लेके आया। ओए पागल क्या क्या हुआ, तू इसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है? अरे कहीं मर गया तो फिर नुकसान अपना ही है भाई। ये मेरा भाई है, सच्चा भाई है ये मेरा। नुकसान अपना है, याद है तेरे को 1 घंटे वाला? हाँ नुकसान तो अपने ही है। तो फिर छीन ले इसे, ये खाने दे रही है, ये झूठा कर देता है यार। चूकला देखो यार किस तरीके से खा रहा हूँ मैं, पॉपकॉर्न नहीं है क्या? वाह तू आ रहा है इसको यार, तेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मैं कैसे मदद ले सकता? तू तो बोल रहा सर्दी लग रही है, मदद करो, सर्दी लग रही तेरे को। चूतिया बचपन साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे भाई। ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, पूरी रात है ना ठंड को मैं सहन कर लूंगा, लेकिन देखो थोड़ी देर में क्या हालत हो गई, धुआं है नीचे की तरफ पूरा। अब ठीक हुआ थोड़ा? तू बोल रहा सर्दी लग रही है, सर्दी लग नहीं, रहने दो तुम, ले जाओ इसको, जो धुआं है ना गाइस वो मेरे पूरा ऊपर आ रहा है, दिक्कत हो रही है मुझे काफी ज्यादा। तो यार आजकल है ना वीडियो पे इतना ज्यादा कमेंट और लाइक नहीं आते, तो यार मैं सोच रहा हूँ कुछ नया आइडिया लगाऊं। क्या 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 गाइस, ये मेरी बेटी है यहाँ पे आप देख लो, और ये विधवा हो चुकी है, और इसके नाम पे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी और 500 एकड़ जमीन है, और जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा और वीडियो को लाइक करेगा मैं उसकी शादी इसके साथ करवा दूंगा। अच्छा करेगा तो शादी? जस्ट मजाक था, ठीक है दोस्तों। ऊपर लड़की हो तो हाँ, लड़की हो तो अरे शक्ल देख तेरी गाइस, जस्ट मजाक था है ना, सीरियस मत लेना। और बाकी वीडियो कैसी लग रही है आपको? देखो यार इतने ज़्यादा हार्ड चैलेंज के अंदर हूँ मैं, मेरी पूरी हालत ख़राब हो रही है, तो यार छोटा भाई समझ के फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो एक अच्छा सा, ठीक है भाई है ना। हाथ दर्द करने लग गए भयंकर, मैं जैसे हाथों को छोड़ देता हूँ इस तरीके से लटक जाता हूँ, फिर गर्दन भी दर्द करती है, हाथ इस तरीके से लटके रहते हैं, और पूरा जो शरीर का खून है वो आ जाता है सर में, तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब। तो यार मुझे कुछ नया आइडिया लगाना पड़ेगा ताकि मैं अच्छी तरीके से ना सो पाऊँ, तभी यार इस चैलेंज को कंटिन्यू कर पाऊँगा, बाकी तो वो जीत जाएंगे और मैं उनको जीतने नहीं देने वाला भाई। 1 घंटे तक मैं ना उनकी 12 बजाने वाला हूँ, तो फटाफट से मुझे कुछ नया आइडिया लगाना पड़ेगा। वैसे मुझे भूख वगैरह तो अभी नहीं लग रही है, कोई टेंशन नहीं है, बस सर्दी लग रही है, मुझे जैकेट वगैरह पहन के आना चाहिए था, मैं केवल यहाँ पर डायपर पहन के आ गया था, और वैसे डायपर को भी मैंने अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने डायपर को यूज़ किया ना तो यार हल्का फुल्का तो गीला रहेगा। तो गाइस यार भयंकर वाली सर्दी लग रही है, तो मैंने मंगाई है कंबल, कंबल ओढ़ के रुकने वाला हूँ, ऐसे तो यार ये चैलेंज पूरा नहीं होगा। ओए लेके आओ ना, कह रहा हूँ तुझे 2 मिनट। ओ भाई जल्दी ओढ़ा दे यार। तो यहाँ पे ना मैंने कंबल तो ओढ़ ली है, देखते हैं कि कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, पूरी रात बितानी है मुझे अभी तो, और 12 बज रही है मेरी भी और टाइम की भी, दोनों की 12। मॉर्निंग गाइस, हम तो उठ चुके हैं, ये अभी तक सो रहा, अब इसको भी जगा देते हैं, सुबह हो गई है साफ, और उसकी वजह से पूरी कंबल गीली हो गई। ओए उठ, गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो। ये गाइस कैसे सो रहा है, सुबह हो गई, उठ, नींद आ रही है यार। चाय पिएगा? हाँ लेका चाय, यही नहीं चैलेंज में जबरदस्ती लेका, सारी सुविधा दे दे तेरे को गाइस।
मुझे तो ना मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे सोते रहूं, अब इतना कंफर्टेबल हो रहा है। कल तक तो मैं पूरा थक गया था, लेकिन लास्ट के अंदर जब सोया ना तब याद देखो कितना कंफर्टेबल हूँ अब। हाँ, ऐसा हाथ पैर ऐसा दर्द कर रहे हैं क्योंकि है ना ये काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा है चारों तरफ ये रस्सा, लेकिन कोई बात नहीं यार, सीधा तो नहीं होने वाला, मैं आराम से ऐसे चैलेंज को पूरा करने वाला हूँ मस्त। अभी तो सुबह हुई है, अभी रुक गया, अभी तो काफ़ी टाइम है चैलेंज कंप्लीट होने में, बहुत हार्ड बनाएंगे हम। क्या हार्ड बनाएगा, हम क्या क्या करेंगे कर लो। मैं तो अभी हार नहीं मानने वाला, एक घंटे के लिए मेरा गुलाम बनने के लिए तुम तैयार हो जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं भाई, सोचो ऐसे तो आराम से सो रहा है, ऐसे तो वो चैलेंज कंप्लीट कर लेगा यार, ऐसे तो वो अपन को एक घंटे तक गुलाम बना कर रखेगा। यही तो बोल रहा हूँ, कुछ सोचो चैलेंज कैसे हार्ड करे उसका, कुछ तो आइडिया लगाओ। दिमाग भी है सोचने के लिए। यस आ गया मेरे पास, लाओ मेरे साथ, अभी बताते हैं तुमको हमारा दिमाग। याहू, कोई मुझे जंगली का है। गाइस जो जंगली होता है उसको कहने की जरूरत ही नहीं होती है, शक्ल से पता चल जाता है कि वो जंगली है। इसको ऊपर उठाओ, इसको पूरा पूरा उठा लो, मोटे उठ जाऊंगा मैं देर से। मोटे ने खाफ ऐसे ही खाफ में उठा दिया गाइस इसने मेरे को, अब इसको ऐसे ही रखना, काफी ज्यादा ताकत है मोटे में। ये क्या कर रहे हो तुम, अब कैसा लग रहा है? गाइस कोई बात नहीं, मुझे टाइट ही तो किया है, बस थोड़ी सांस लेने में परेशानी हो रही है। और यहाँ पर आप देखो किस तरीके से मैं बंधा हुआ हूँ भाई, वो टाइट करके चले गए फुल, बाकी पहले आराम से है ना ऐसा झूले जैसा था, तो मैं नींद तो निकाल पाया पूरी रात, लेकिन अब वापस पेट दर्द कर रहा है भयंकर, अब तो मैं पानी वगैरह कुछ नहीं पी सकता आराम से क्योंकि पूरा पूरा ये टाइट हो चुका है। प्लीज़ यार मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे और भी ताकत मिलेगी, और मुझे ताकत मिलेगी तो मैं चैलेंज को जीतूंगा, और अगर मैं चैलेंज जीत गया तो यार मैं उनकी बारह बजाने वाला हूँ एक घंटे के लिए भाई, उनको आपस में लड़वाऊँगा पिटवाऊँगा क्या क्या करवाने वाला हूँ। फाइनली मैंने फर्स्ट टाइम डाइपर यूज़ किया इस चैलेंज के लिए, आप सोच लो यार कितनी ज़्यादा मेहनत की है मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत। हे श्री, व्हाट इज़ द टाइम? इट्स 9:18 AM। गाइस अभी तक तो 9:18 भाई, 1 बजे चैलेंज खत्म होगा, 1 बजे। ये गलत हो रहा है यार, इतना वेट करना होगा मुझे, और हालत ऐसी ख़राब हो रही है मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि अब तो देखो सुबह सुबह है ना पोटी भी लगती है, तो अभी मुझे पोटी लग रही है जोर से, और ऊपर से इतना ज्यादा ये टाइट रस्सा। देखो गाइस इनको डर लग रहा है कि है ना ये एक घंटे का मेरे गुलाम ना बन जाए, लगातार आ रहे हैं और इसको टाइट कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, कितना भी टाइट कर लो तुम। अच्छा। इस चैलेंज को मैं जीतने वाला हूँ, देखते हैं। इसको जन्नत दिखाता हूँ, जन्नत दिखाता हूँ। टाइट कर दे इसको, इसको मार। गाइस मैं ना खुद है ना किसान फैमिली से हूँ, तो मुझे कैसे डर लगेगा इनसे ये बता दो, मुझे तो कुछ डर नहीं लग रहा है। गाइस मुझे कुछ डर नहीं लग रहा है, इनसे कुछ भी डर नहीं लग रहा है। तुम को आगे आगे ला ला गाइस, इनकी खुद की मार है। अरे इसको ला, इसको ला, इसको ला। बकरी आ जा चल। अरे बकरा है, बकरा। अबे बकरी है, बकरा है, बकरी है। इसका सामान लिख रहा है नीचे, तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे डर तो नहीं लग रहा है, तुम बस है ना परेशान करने का ट्राई कर रही है। तुम तो ये तैयारी करो कि तुम्हारे को जो सजा मिलेगी ना उसमें तुम बच पाओ कुल मिला के। मैं तो जीतने वाला हूँ। ओए कितने घंटे बाकी है बोल? अभी तो 2 घंटे बाकी है, 2 घंटे बाकी है, ठीक है ना? 2 घंटे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। गाइस हे श्री, व्हाट इज द टाइम? इट्स 1:03 PM। ओए खोलो, चैलेंज कंप्लीट गाइस, 1:03 PM। शिवराज आ जल्दी बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल, बाहर निकाल, भागे वो सारे मुंह लटका के बैठे। गाइस अब देखो है ना उनकी कैसी हालत खराब होने वाली है भाई। उन्होंने ना मुझे चैलेंज दिया था कि अगर मैं ना इस तरीके से लटका हुआ रह गए 24 घंटे तक तो वो 1 घंटे के लिए मेरा गुलाम बनने वाला है। सबसे पहले गाइस डायपर हटाता हूँ मैं, गीला गीला लग रहा है, बाकी चैलेंज पूरा हो चुका है। किस तरीके से मैंने ना इसके अंदर 24 घंटे बिताए क्या बताऊँ मैं आपको, और अब मैं चुन चुन के बदला लेने वाला हूँ उनसे। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं थार के रेगिस्तान में घूमने के लिए। घूमने के लिए नहीं आए हम, तो तुमने चैलेंज हारा है और अब मैं तुम्हें सजा देने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ पे हाँ बना दिया चूतिया, ये तो ये नाइंसाफी हमारे साथ बोल घूमने की बोल के लेकर आया यहाँ पे, ये सीधा दे रहा तू। मुझे नहीं पता गाइस अब ये 1 घंटे तक मेरी बात मानने वाले हैं। वो पहाड़ी दिख रही आगे? कौन सी पहाड़ी? वो पहाड़ी देखो, उस टीले के ऊपर जाना है तुम्हारे को दौड़ कर, ठीक है? और चप्पल उतार दो, उतार दे, नंगे पांव जाना है तीनों को, और ऐसे कांटों से बच के रहना, ठीक है? गरम है ये पूरी, मुझे नहीं पता, जाओ
हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे, एक घंटे तक बात मानो मेरी। गाइस मजे लेने वाले, अभी तो रुको, इनसे क्या क्या काम करवाने वाला हूँ देखते जाओ आप, जल्दी जाओ। क्या हो, ऊपर जाना? अरे रेत गर्म है यार। नहीं मुझे नहीं पता, ऊपर जा। गाइस थार के रेगिस्तान में है अभी हम, देखो चारों तरफ का नजारा कैसा क्या नजारा है, पूरे नागपुर रेत के टीले देखने को मिलेंगे। घूमने के बहाने में इनको यहाँ पे परेशान करने के लिए लेके आ चुका हूँ, और अब आप देखो मैं इनके साथ में क्या क्या करता हूँ। जाओ ऊपर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो मिट्टी है ना, वो यार कितनी ज्यादा गर्म है। मैंने तो है ना यहाँ पे चप्पल पहन रखी है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा है। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, अभी तक तो एक घंटे तक बाद माननी है तुम्हारे को, फटाफट से खड्डे खोदो यहाँ पर, तीन खड्डे। हाँ तीनों के अलग अलग मुझे चाहिए खड्डे, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँगा, खड्डे खोदो तीनों। तू भी खोद, जल्दी स्टार्ट हो जाओ, देखते किसका खड्डा पहले खुदता है। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने ना खड्डा खोदना स्टार्ट कर दिया है, और मोटा है ना बच चुका है सजा से, क्योंकि उसने मेरे को समोसे खिलाए थे। कोई बात नहीं, फायदा तो होना चाहिए ना अपना, तो उसने मेरा फायदा करवाया, मैंने भी उसका फायदा करवा दिया, उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी, और यहाँ पर इन तीनों को सजा मिलती है। खोदो जल्दी। पूरा पूरा, चलो ठीक है, अब इसमें दफन हो जाओ। हाँ पगल गया, समझ मुझे नहीं पता, एक घंटे तो बाद माननी है तुम्हारी, हमारी कब्र हमारे हाथ से खुदा रहा है। इसमें दफन होना है तुम्हारे को अब। अरे यार जल्दी, मुझे ऐसे बात मानोगे तुम, ये घंटा कब होगा पूरा? तो चलिए गाइस अब है ना इनको दफन कर देते हैं पूरा। गाइज मैंने ना इनको गजब फंसाया था, मैंने बोला चलो घूमने चलते हैं, और फिर जाके ये मेरे पकड़ में आए यहाँ पर आज, और देखो इनकी एक घंटे तक मैं कैसी हालत ख़राब कर रहा हूँ। बाकी भाई साहब रोज है ना इग्नोर कर रहे थे, ये बोल रहे थे क्या हुआ, हार गए तो हार गए, हम वीडियो नहीं डालेंगे, हम प्लीज़ सजा मत दे एक घंटे के लिए, लेकिन अब आ रहा है मजा। यहाँ पर देखो गाइज इनकी क्या हालत हो रही है, कड़ाके की गर्मी है, और जो मिट्टी है वो भी काफी ज्यादा गर्म, और तीनों को हमने यहाँ पर दफना दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, और केवल इनकी गर्दन बाहर है, देख सकते हो आप केवल गर्दन बाहर है। क्या हाल है बेटा? पग पैर हटा पहले तो। क्यों हटो पैर? मेरी मर्जी, एक घंटे तक तो मेरी बात मानने वाला हूँ। वैसे पानी पीना है किसी को? हाँ पिला दे। चल ठीक है गाइज इनको पानी पिलाते हैं। यार पानी पियोगे? नहीं पीना पानी, पानी अंदर नहीं जाएगा मेरा। तू पिएगा पानी? ठंडा सही है। ऐसे पिला यार पानी, यार मैं उसको देख ले। चल ठीक है पीना। अरे अच्छे तरह, अरे तुझे अच्छे तरीके से पिलाऊंगा, पी ले पी। गाइस आप देखो ये पास में गिरा दिया। अरे गिरा गिरा तो लग रहा होगा ना। इनकी तगड़ी हालत खराब कर रहे हैं हम, यहाँ पर देख सकते हो कितनी बुरी हालत हमने इनकी कर दी है, पूरी की पूरी हालत डाउन, कोई बाहर निकलना है। चलो ठीक है गाइस अब देखते हैं कि तीनों में से सबसे पहले कौन बाहर निकलता है। निकलो बाहर। निकलो ना। ओ भाई कितनी सारी, देखो हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल रखी है, तेरी मदद कर देता हूँ, अब निकल जल्दी। हाँ तुम्हारा के क्या हुआ? नहीं निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। क्या हाल क्या रही है? ठीक है यार, अब तेरे साथ कभी घूमने नहीं आएंगे। तो गाइज हमने ना इनकी एक घंटे तक बुरी तरीके से हालत खराब कर दी, पहले तो ना नंगे पाँव यहाँ पे चला है, अभी तक भी ये नंगे पाँव ही है, इसके अलावा खुद से ही खड्डा खुदाया और उसी खड्डे के अंदर इनको दफन करवा दिया। कुल मिला के मजा आया तुम्हारे को? खाक मजा आया। घूमने आएगा मेरे साथ में? कभी नहीं, कभी नहीं। गाइज ये ऐसे तो आप ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे, पलट रहे थे बाद बाद में कि नहीं हम एक घंटे तो बात नहीं मानेंगे, फिर मैंने आइडिया लगाया और इनको बोला चलो घूमने चलते हैं, यहाँ पे लेके आया, और देखो कैसी इनकी हमने हालत कर दी है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होती क्या करना है, वीडियो का बना लाइक, चैनल बने हो तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत। और यहाँ पर आप देखो भाई कितनी गर्मी है, पसीना टपक रहा है कुछ इस तरीके से।